हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वीकली राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल। इसमें आप लोगों के लिए करियर, लव रीडिंग और इवन नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स भी चेक करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जब वोट किया तो उसमें बहुत ज्यादा वोट किया है उस चीज को, उस टॉपिक को। सो उस टॉपिक को भी करेंगे। एक एक राशि के अनुसार मैं आप लोगों के लिए रीडिंग पोस्ट करूंगी। एक साथ इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ एडिटिंग का इशू आ रहा है। हम एक साथ अपलोड कर रहे हैं तो यूट्यूब पता नहीं क्यों वो इतना हैवी लोड उठा नहीं पा रहा है, तो हम उसे एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे। यदि आपको मेरी साप्ताहिक राशिफल अच्छे लगते हैं और मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यस, आप चाहें तो मेंबरशिप क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप क्लब ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप मेरे दूसरे चैनल पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा चैनल भी है मेरा द डिवाइन टैरो के नाम से, मेरे टोटल दो चैनल है, सो आप उसे भी फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। ध्यान रखना ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। थीटा पे ध्यान नहीं देना, लड़कियां लड़की पे ध्यान नहीं देना, देना सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना, ठीक है। और इस रीडिंग को मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ 10 जून से 16 जून के लिए। 10 से 16 जून आप लोगों की लाइफ में क्या घटित होने वाला है वो हम टैरो के जरिए चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि हुई एरीज यानी कि मेष राशि। देखेंगे मेष राशि वालों के लिए 10 से 16 जून तक क्या एक्सपेक्टेड है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज्यादा थकावट महसूस करेंगे आप इस हफ्ते, बहुत ज्यादा थकावट और हैवी वर्क दिखाई दे रहा है, वर्कलोड रहेगा आपके ऊपर, थकान सी रहेगी, एग्जॉशन सा रहेगा इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी इस हफ्ते, आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एक अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है और इस ऑफर को आप रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उस ऑफर को कंप्लीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। लाइक ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके पास इतना काम है और साथ में और थोड़ा सा काम आ गया तो ये आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस काम को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे आपके फोकस की भी कमी दिखाई दे रही है। स्टूडेंट हैं अगर आप तो फोकस की काफी कमी रहेगी इस हफ्ते आपके अंदर। फोर ऑफ कप्स को क्लारिफाई करें। स्टार वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी में जो ये रिजेक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत से लोगों के लिए करियर में रहेगा, करियर में एक और काम आपके पास आता हुआ या एक और ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर होगा, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इनका बिजनेस में काम चल रहा है और साथ में और भी थोड़ा सा वर्कलोड आता नजर आ रहा है जिसे आप डिनायल देते नजर आ रहे हैं। आप ये कुछ ऐसा समझ लो कि आप लेट्स से कुछ बिरयानी वगैरह का काउंटर चला रहे हैं, बिरयानी का ऑलरेडी बल्क ऑर्डर आपके पास बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको और जो एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलेगा केटरिंग वगैरह का वो आप लेने से इनकार कर देंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वहां तक पहुंच सकें और ऑर्डर्स उठा सकें। प्लस मुझे जॉब में भी ऐसे दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में आप रिस्क लेने से थोड़ा दूर भागेंगे, इसी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन में हूँ, ये जॉब ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, तो मैं क्यों स्विच करूँ। इसलिए आप उस जॉब को स्विच नहीं करेंगे, ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, ठीक है। और इस हफ्ते मुझे बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें मुझे दिखाई दे रहा है कि एक एटीट्यूड रहेगा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ना करने का। ये उन लोगों के लिए होगा जो लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जिन्हें मूव ऑन करना चाहिए, जिन्हें आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ने की जगह वो बार बार पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे लग रहा है पीछे भी नहीं, आप थोड़ा सा खुद को एक कंफर्ट जोन में लेकर आ चुके हैं, जिस कंफर्ट जोन से ना आप निकलने से इनकार कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहां पर आप एक न्यू बिगनिंग भी नहीं करना चाहते किसी नई व्यक्ति के साथ, और ना ही आप किसी पास्ट पर्सन की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, ना ही अपनी एनर्जी कहीं और डालना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप डिनायल एनर्जी में, थोड़ी सी लेजी एनर्जी में आप ज्यादा है, ठीक है, लेजीनेस वाली एनर्जी आपके अंदर ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत दिमाग से फैसले लेंगे और दिमाग से सोच सोच के बात करेंगे, मतलब एकदम ऐसे नहीं कि ब्लंटली आप बोलते जा रहे हैं, आप बहुत सोचकर बात करेंगे। प्लस आप इस ऑफर के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हुए नजर जरूर आएंगे, आपको बार बार लगेगा कि ऑफर जो मैंने लूज किया वो कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, रिग्रेट, एक बोलते ना कि क्वेश्चंस वाली एनर्जी आप ज्यादा फील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ऑफर मैंने क्यों रिजेक्ट किया, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, मुझे ट्राई करना चाहिए था। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लारिफाई करें। यू आर वेटिंग फॉर द राइट ऑफर एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी प्लस विद एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको लग रहा है कि आप
इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, जो ऑफर आपके पास आ रहा है ना उसमें आप सोच रहे हो नहीं मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ, मैं इससे बेहतरीन डिजर्व करता हूँ। अगर कोई आपको लव प्रपोजल भी दे रहा है ना इस हफ्ते, तो उस प्रपोजल में भी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं यार मैं इस इंसान से तो बेहतर डिजर्व करता हूँ। तो ये वाली एनर्जी है जहां पर आपको लग रहा है कि आप इससे बेटर डिजर्व कर रहे हो, और आप इंतजार कर रहे हैं कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, कि ठीक है यार मैं थोड़ा और वेट करूंगा और उसके बाद शायद मुझे एक सही ऑफर मिल जाए, उसके बाद मुझे एक सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इस तरीके की एनर्जी है जहां पर वेटिंग एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन आप उसे रिजेक्ट करेंगे, प्लस थकावट रहेगी इस वीक, आप थकावट बहुत महसूस करेंगे। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि आप न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं न्यू बिगनिंग को अपनी जिंदगी में, कोई भी रिस्क लेने के लिए या कोई भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए इस हफ्ते आप अवॉइड कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, लवर्स, एस ऑफ कप्स, देर आर चांसेस कि इस हफ्ते आपके लिए कोई इंटरेस्ट लेगा, कोई आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, मे बी आपके एक्स हैं, या कोई फ्रेंड आप में इंटरेस्ट ले रहा है, या कोई आपको लव ऑफर दे रहा है, आप इस लव ऑफर से ना इस हफ्ते दूर भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस ले रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आई डोंट नीड दिस, मुझे इस वक्त प्यार नहीं चाहिए। आप बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह स्थिर खड़े हैं और आप मूवमेंट नहीं ले रहे, ना आप हाँ बोल रहे हैं ना आप ना बोल रहे हैं, आप बेसिकली एक पॉइंट पे जहां पर खड़े हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट नहीं है, स्टैंड स्टिल वाली एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि आप अपने काम को लेकर ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, काम को लेकर आपके अंदर ज्यादा सोच विचार है। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 10 से 16 जून क्या होगी। मून, सिक्स ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके मैजिशियन, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर संकोच में और क्वेश्चन में नजर आएंगे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, आपके पार्टनर की भावना ऐसी होंगी जहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में और लोनली फील करते नजर आ रहे हैं। उनको ना आपको चुनने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, वो आपको चुन नहीं पा रहे, वो आपको चुनना चाहते हैं, वो आपके लिए इंटरेस्टेड है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, बट जैसे कि उनके लिए डिसीजन ले पाना, डिसाइड कर पाना, आपकी तरफ एक अप्रोच ला पाना, आपको लाइक आपको लेकर श्योर हो पाने में डिफिकल्टी हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स में आपको सोच तो रहे हैं, आपको याद तो कर रहे हैं, आपके लिए कनेक्शन फील भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अश्योरिटी होता है कि यार इस इंसान के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इस इंसान के साथ मेरा सब कुछ बेहतर रहेगा, इस इंसान के साथ मेरी लाइफ ब्यूटीफुल रहेगी, वो अश्योरिटी इनको आ नहीं रही है, ये कन्विंस नहीं हो रहे आपको लेकर कि यार इस इंसान के साथ सच में मुझे आगे जाना है नहीं जाना है। तो कन्फ्यूजन नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि बस आपके पार्टनर अभी उस स्टेज पे नहीं है जहां पर वो आपको लेकर बहुत श्योर हो जाए। उनकी अपनी सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा है, उनकी जिंदगी में उनका रुतबा, उनका नाम, उनका अपना महत्व, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मायने रखती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। घमंडी नहीं कहूंगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी एनर्जी आपको दें, अपना प्यार, अपनी अपनी तरफ से आपको सब कुछ बोलते ना सर्व करें, और बाद में आप उन्हें उतना इक्वली प्यार ना दें, आप उनको इक्वली उतना एंटरटेन ना करें, तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये व्यक्ति ने अगर मुझे सर्व नहीं किया तो, और इतना मैंने इसको दिया अपनी एनर्जी, और इस इंसान ने मुझे हर्ट किया तो, तकलीफ दी तो आपके हर्ट करने से डर रहे हैं, आपके आगे के स्टेप्स को लेकर कंफ्यूज हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। क्योंकि पास्ट में भी आपके पार्टनर को कोई बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है, पास्ट में भी कोई फेलियर फेस किया उन्होंने रिलेशनशिप में, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है किसी और रिलेशनशिप में उन्होंने ये फेलियर फेस किया है, तो उस फेलियर के चलते ना उन्हें बहुत डर लग रहा है कि वो आपके साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े, और आपको लेकर वो श्योर नहीं हो पा रहे, आपकी एनर्जी को लेकर, आप पे भरोसा करने को लेकर दिक्कत है, यहाँ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेकर कन्विंस्ड एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हमेशा चाहा कि कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें आप जैसा ही राइट पर्सन मिल जाए, लेकिन आप जब मिले हो ना तब भी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे उसके तरफ जाना चाहिए क्या, मतलब एक लग रहा है कि जैसे कि इस इंसान का इच्छा आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, खिंचाव है, या आपको बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, लेकिन जैसे कन्विंस्ड नहीं हो पा रहे आपको लेकर, कन्विंस की एनर्जी नहीं है। ये आपके क्रश की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ये आपके क्रश की, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सभी के लिए मैं बोलूंगी, पार्टनर की फीलिंग्स ओवरऑल जो कनेक्ट हुई है वो ओवरऑल आपके कनेक्ट हो गई है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे, मेष राशि वालों के लिए उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे जून 10 से 16 तक। चैरियट विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आपके पार्टनर ना बहुत मिक्स्ड एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि मिक्स्ड एनर्जी में ज्यादा है, ये आपको लेकर बिल्कुल भी
प्रेडिक्टेबल नहीं हो पाएंगे, इन्हें नहीं समझ में आ जाएगा आ पाएगा कि आप एग्जैक्टली इनसे क्या चाहते हो, आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके साथ लॉयल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या इस कनेक्शन में आप इनको इनके साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ये यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके भावनाओं को ना समझ ही नहीं पा रहे, इन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रही है, ये आपके साथ होना चाहते हैं बट डिस्कनेक्टेड सा एनर्जी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना ऑन एंड ऑफ की स्थिति ज्यादा बन रही है, ऐसा लग रहा है कि आ रहे हैं जा रहे हैं या एक क्लैरिटी नहीं है, तो सडन आके चले जाना, खुद ही अपने दिमाग में चीजें बना लेना, वो वाली एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। यूनिवर्स इस हफ्ते के लिए मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है? एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने बोली को ना थोड़ा मतलब फोकस करना, क्योंकि वॉच योर वर्ड्स की एनर्जी ज्यादा आई है यहाँ पर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सोच समझ कर बात करो, आपकी बात करने के ढंग में ना कुछ ऐसा है कि सामने वाला ट्रिगर्ड हो रहा है या हर्ट हो रहा है या वो समझ ही नहीं पा रहा है आपको, मतलब उन्हें लग रहा है कि जैसे कि आप अब लेट्स से आप बातों बातों में किसी फलाना पर्सन की बात कर रहे हो, ये लड़की ऐसा सोच रही है, वो लड़का ऐसा, आप अनजाने में ना उनको ऐसा फील करा रहे हो कि जैसे शायद आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, या आप लाइक पैसों के रिलेटेड बात करें तो उन्हें लग रहा है आपको आप लालची हो गए हैं। तो आपको ना अपनी वाणी पे बहुत ध्यान देना है, सोच समझ कर बात करनी है, क्योंकि आपकी वॉच योर वर्ड्स की एनर्जी ज्यादा आई है इस हफ्ते। मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगी कि आपको सोच समझ के बात करनी है और बी ए गुड लिसनर। इस हफ्ते आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। आप कोशिश करो कि बोलो कम, सुनो ज्यादा, बी अ वाइज पर्सन। आपके पार्टनर के फ्रेंड बनो, उन्हें टाइम दो, एक दूसरे को समझने का समय दो, तब जाके कुछ हो पाएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मुझे से नहीं दिखाई दे रहा है कि ये हफ्ता कुछ अच्छा है। इस हफ्ते मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स फोकस्ड नहीं है अपनी पढ़ाई में, थोड़ा फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। हेल्थ में भी मुझे शरीर की थकान ज्यादा आपकी लग रही है, ऐसा लग रहा है शारीरिक थकान ज्यादा रहेगी। करियर में कहूँ तो अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है लेकिन आप ही उस अपॉर्चुनिटी को डिनाई करेंगे। तो फाइनेंसिस विल भी ठीक है, नॉर्मल है, फाइनेंसिस ज्यादा अप भी नहीं है डाउन भी नहीं है, पर फाइनेंसिस ठीक ठाक है। बाकी यूनिवर्स आपको कह रही है कि सोच समझ कर आप बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको दिक्कत आ जाए। बाकी जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगी कि ऑफर आ सकता है इस टाइम पे, या कोई पसंद आएगा, लेकिन उस ऑफर से भी बेहतर ऑफर की कामना होगी, या एक्सपेक्ट करेंगे कि यार नहीं मुझे और उस बंदे के एफर्ट देखने हैं या उस बंदी के एफर्ट देखने हैं, जिसके वजह से थोड़ी सी एक एनर्जी रहेगी जहां पर आप वेटिंग एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस ऑफर को, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी ज्यादा आ रही है। जहां पर मैं बात करूँ क्रश की, तो क्रश के लिए भी मैं बोलूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग, आपके क्रश की फीलिंग सेम ही है जो मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए दी, आप उसे सेम कंसिडर करें, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को, आपके ओवरऑल ही पार्टनर, आपके हस्बैंड है, आपके स्पाउस है, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्रश है, जो भी है, ओवरऑल आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत संकोच में और कंफ्यूज वाली एनर्जी में जा चुके हैं। तो उस एनर्जी में वो बाद में मे बी इन फ्यूचर स्विच करें, बट फिलहाल इस हफ्ते तो मुझे दिख रहा है कि वो ज्यादा एक्टिव मोड में नहीं है, वो कंफ्यूज ज्यादा है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको ब्रेसलेट वगैरह या कुछ और डिटेल्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।